नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। श्रावस्ती तेंदुए की खाल बेचने जा रहे तस्करों को पुलिस ने भारत नेपाल सीमा से किया गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा अपराधियों की अपराधघाव बनता जा रहा है। यहाँ आए दिन अपराधी घटनाएं घटती रहती है। मामला जनपद श्रावस्ती के थाना क्षेत्र मलीपुर का है, जहां मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि भारत और नेपाल सीमा से जुमना आने वाले कच्चे रास्ते से संदिग्ध सामान के साथ एक व्यक्ति जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना मलीपुर पुलिस हरकत में आ गई। थाना अध्यक्ष वकील पांडे मई दलबल के साथ बताए गए स्थान पर पहुंच गए, जहां खेत से जाते हुए दो संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस द्वारा घेराबंदी करते हुए दोनों को पकड़ लिया गया तथा तलाशी लेने पर सफेद प्लास्टिक बोरी के अंदर कपड़े में लिपटी हुई कोई वस्तु दिखाई थी। कपड़ा खोलने पर तेंदुए की खाल दिखाई थी। पुलिस पकड़े गए अभियुक्तों को थाना मलीपुर ले आई। पूछताछ के दौरान पकड़े गए अभियुक्तों ने अपना नाम डी बहादुर तथा दूसरे ने साबिर जिला पदियाराज नेपाल बताया। पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती आशीष श्रीवास्तव द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि इनके पास से तेंदुए की खाल व हुकरी औजार बरामद किए गए हैं। बरामद हुए तेंदुए की खाल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपए आंकी जा रही। अभियुक्तों के खिलाफ वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जिला जेल भेज दिया गया है। वहीं पकड़ने वाली टीम को 20,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया गया। ये आज सुबह थाना मल्लीपुर पुलिस को सूचना मिली कि नेपाल की तरफ से मल्लीपुर के जंगलों में कुछ लोग इस तरीके का खाल या अवैध सामान लेकर के आ रहे हैं और उसको इधर इंडिया के मार्केट में बेचने का प्रयास करेंगे। सूचना मिलने पर जो SHO मल्लीपुर है, उन्होंने अपनी दो टीमें बनाई और टीमों के साथ में वहाँ पर मुखबिर की सूचना पर हमारी नेपाल और भारत की सीमा पर खड़े हो गए। जैसा कि मुखबिर की सूचना थी, जब वो लोग उधर से इधर आए तो उनको निशानदेही पर पकड़ा गया और उनके पास से एक तेंदुए की खाल और उसकी हड्डियाँ, साथ में उसको काटने के लिए खुखरी, इस तरह के सामान उनसे प्राप्त हुए और दो तस्कर पकड़ में आया। तस्करों ने पूछताछ में बताया कि ये तेंदुए की खाल नेपाल से भारत में बेचने के लिए लाई जा रही थी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 50 लाख रुपये है। इनके कुछ और साथी थे जो भागने में सफल रहे, उनको ढूंढा जाएगा। और चूंकि ये बहुत अच्छा था, सराहनीय कार्य मल्लीपुर पुलिस के द्वारा किया गया है, तो इनको हमारी तरफ से 20,000 का इनाम दिया।